नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार मेरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पर जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो थोड़ा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी कहना चाहूंगा। लेकिन आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्रिप्शंस करते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, मैं रेगुलरली आपको डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पर वीडियो देता रहूँगा। आज हम बात जिस होम्योपैथिक मेडिसिन की कर रहे हैं उसका नाम है ब्रायोनिया एल्वा। इस वीडियो में मैं आपको ब्रायोनिया एल्वा का डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हो, ब्रायोनिया एल्वा कुकरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कुकरबिटेसी फैमिली के प्लांट के जो करेक्टर्स हैं वो कैसे ब्रायोनिया एल्वा के पेशेंट्स में देखने को हमको मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला करेक्टर, कुकरबिटेसी फैमिली का जो प्लांट होता है वो टॉल और स्लेंडर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लंबा बेल जैसा प्लांट होता है और स्लेंडर प्लांट होता है। इसलिए इसका जो पेशेंट आपको देखने को मिलेगा, ब्रायोनिया एल्वा का जो पेशेंट होगा वो लंबा और स्लेंडर होगा। स्लेंडर का मतलब होता है जो चौड़ा कम हो, लंबाई में ज़्यादा हो लेकिन चौड़ाई जिसमें कम होती है, इस बॉडी फिगर को हम टॉल एंड स्लेंडर कहते हैं। साथ में इसके डार्क हेयर होते हैं, डार्क कलर होता है और रिजिड फाइबर होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि ये डार्क कलर का होता है। तो पहला डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ये हुआ कि कुकरबिटेसी प्लांट चूँकि टॉल स्लेंडर और डार्क कलर का होता है, इसलिए ब्रायोनिया का पेशेंट भी आपको टॉल स्लेंडर और डार्क कलर का मिलेगा। दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, कुकरबिटेसी प्लांट जैसा कि आप देख रहे हैं जब ग्रो करता है तो ज्यादातर केस में आसपास के प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाता है, या आसपास में कोई आयरन की जाली होती है तो उस पर चढ़ जाता है, या फिर आसपास जो उसके दीवार होती है उस पर चढ़ जाता है। जैसा कि आप कोई भी बेल को उगाते हैं, बेल आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे प्लांट जिनकी बेल होती हैं, कुकरबिटेसी प्लांट भी एक बेल की तरह ग्रो करता है, या मैं कहूँ एक बेल ही होता है। अब इससे हमको क्या देखने को मिलता है, जब कोई प्लांट ग्रो करते टाइम किसी दीवार, किसी आयरन की जाली या दूसरे प्लांट्स पर चढ़ जाए, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि वो ये चाहता है कि जब वो ग्रो करे तो वो टूट ना जाए, मतलब वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले। अब जब इस प्लांट से ब्रायोनिया बनी और प्रूविंग हुई, तो हमको क्या सिम्टम देखने को आया कि ब्रायोनिया एल्वा का जो पेशेंट होता है वो हमेशा अपने काम के बारे में बात करता है। हमेशा उसको ये लगता है कि मैं सारा काम अच्छी तरीके से निपटा लूं, मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। वो दूसरों की मदद करता है और अपने काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। ऐसा वो इसलिए करता है कि जिनका वो सपोर्ट कर रहा है वो कल को फ्यूचर में उसके काम आए, या वो बिजनेस अपना अच्छी तरीके से कर लेगा, हार्ड वर्किंग करेगा तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो चूंकि कुकरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ करते टाइम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सपोर्ट चाहते हैं, तो इसका करेक्टर ब्रायोनिया में ये देखने को मिलता है कि ब्रायोनिया का जो पेशेंट है वो फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, इसलिए ये एक वर्कहोलिक पेशेंट होता है, दूसरों का सपोर्ट करता है, लेकिन उसको काम जो कर रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। वो चाहता है वो अच्छा काम करके पैसा कमा ले, दूसरों का सपोर्ट करे, जिससे जब वो परेशानी में आए तो वो दूसरे लोग उसका सपोर्ट करें। तो ये दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर हो गया। तीसरा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, देसी भाषा में उसको कद्दू कहते हैं, इंग्लिश में उसको पंपकिन कहते हैं। जो कद्दू होता है वो भी कुकरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और कद्दू का एक करेक्टर होता है कि आप उसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो, लंबे टाइम तक स्टोर करके फिर उसकी सब्जी बना के उसको खा सकते हो, या
उसका उसकी स्वीट्स भी बनती हैं। तो ये जो करेक्टर है वो ब्रायनिया एल्बा के पेशेंट में भी हमको देखने को मिलता है कि ब्रायोनिया का जो पेशेंट होगा वो अपनी मनी को स्टोर करेगा, मतलब काम करने के बाद जो भी वो पैसा कमाएगा, दूसरों का जो सपोर्ट करेगा उसको वो स्टोर करके रखेगा और ये चाहेगा कि फ्यूचर में कल को वो काम आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक करेक्टर उस प्लांट का ब्रायोनिया पेशेंट के अंदर आ गया कि वो अपनी मनी को स्टोर करके रखता है जिससे वो फ्यूचर में कभी भी उसको यूज़ कर ले। नेक्स्ट रॉकी, जो इसकी रूट होती है वो भी बहुत मजबूत और लार्ज होती है और जमीन से बहुत गड़ी हुई रहती है। अब प्लांट के इस करेक्टर को अगर हम ब्रायोनिया के पेशेंट में देखें तो ब्रायोनिया एल्बा होम सिकनेस के लिए बहुत जानी जाती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि ब्रायोनिया का पेशेंट हमेशा घर जाना चाहता है। अब एक तरफ तो वो काम करना चाहता है और एक तरफ वो घर जाना चाहता है, तो ये कंट्राडिक्शन कैसे हुआ, अब अपन कैसे इसको समझें? तो अभी अभी जैसे मैंने बताया कि प्लांट ऊपर तो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, फैलने की कोशिश कर रहा है बेल की तरह, लेकिन अंदर वो मजबूती पकड़ रहा है। इसका मतलब ब्रायोनिया का पेशेंट जब सुबह घर से निकलेगा तो वो जगह जगह पर जाना पसंद करेगा, नए नए काम करना पसंद करेगा, अपने पहले से जो काम है उनको निपटाने की कोशिश करेगा, बट एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ डे वो घर भी जाना पसंद करता है। मतलब उसको ट्रैवलिंग पसंद है, उसको बाहर काम करना पसंद है, लेकिन सोना उसको घर पर ही पसंद है। तो ब्रायोनिया की जो होम सिकनेस हम देखते हैं उसका मतलब क्या है दोस्तों? मान लीजिए, ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो ये कन्फ्यूज़न होता था कि हम ये देखते थे कि यार होम सिकनेस का मतलब तो ये हुआ कि कोई जैसे स्टूडेंट है और वो अपने घर से बाहर आउट ऑफ द सिटी पढ़ने जाता है तो वो बाहर नहीं पढ़ पाएगा और घर की तरफ भागेगा। नहीं, ब्रायोनिया का पेशेंट, अगर ब्रायोनिया का स्टूडेंट है और उसको आप कहोगे कि आपको ये डिग्री करने के लिए सिटी से बाहर जाना है तो वो घर नहीं आएगा, वो रहेगा बाहर ही। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि मैंने अगर डिग्री कंप्लीट नहीं करी तो मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो वो डिग्री के लिए तो रुकेगा, लेकिन मन में उसकी इच्छाएं क्या रहेंगी कि यार छुट्टी हुई तो मेरे को घर भगना है, फेस्टिवल पे कुछ भी हुआ, क्लासेस ऑफ हुई, घर भग के आएगा। ये ब्रायोनिया की होम सिकनेस को आप ऐसे समझिए, वो दिन भर घर में नहीं रहना चाहता, वो काम निपटाने के लिए जाएगा जरूर, लेकिन जब भी उसको मौका मिलेगा वो घर की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं और ऊपर की तरफ वो फैल रहा है। इसके अलावा एक और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर भी है ब्रायोनिया के अंदर, कुकरबिटेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप बॉटनिकली इसको पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अगर कुकरबिटेसी प्लांट्स को, ब्रायोनिया प्लांट्स को अगर हमने पानी नहीं दिया तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। प्लांट का ये करेक्टर हमको ब्रायोनिया के पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि ब्रायोनिया का पेशेंट बहुत ज़्यादा थर्स्टी होता है, उसको पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और लार्ज क्वांटिटी में पानी पीता है। हालांकि अगर आप भले ही उसको लॉन्ग इंटरवल से पानी दे दो तो चल जाएगा, लेकिन उसको पानी चाहिए। तो ब्रायोनिया की थर्स्ट कैसी है? थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट लॉन्ग इंटरवल। कारण कि उसको पानी अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। क्योंकि प्लांट को भी पानी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, इसलिए ब्रायोनिया का पेशेंट भी पानी की डिमांड करता है। दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर आपको ब्रायोनिया के डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, 5 डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर बताए। इनको आप अच्छी तरीके से सुनिए, पढ़िए, और कोई भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है या सवाल होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।